प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं वो शिक्षा आपको बताने जा रहा हूं जो अंतिम समय पर रावण ने लक्ष्मण को दी थी। डोली भूमि गिरा किसके अंदर, जब रामचंद्र जी ने रावण की नाभि में तीर मारा तो रावण आकाश से आकर जब जमीन पर गिरा तो ये जमीन हिलने लगी, डोलने लगी और सभी उपस्थित राम लक्ष्मण या तक रावण के भाई विभीषण भी आकर उनके पास सभी खड़े हो गए। तभी राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इस जैसा प्रकांड विद्वान तुझे नहीं मिलेगा, इसके अंतिम समय पर जाकर इससे शिक्षा लो। लक्ष्मण रावण के पास गए और घमंड के कारण लक्ष्मण जाकर इस रावण के सिर की तरफ जाकर खड़े हो गए। आपको पता होना चाहिए इस अवस्था को राम ने जैसे ही देखा तो राम ने कहा, लक्ष्मण यह शिक्षा लेने का तुम्हारा ढंग सही नहीं है। अगर हमें किसी से शिक्षा लेनी है तो हमें उसके चरणों में जाना होगा। लक्ष्मण इसलिए तुम शिक्षा लेने के लिए रावण के चरणों की तरफ जाओ। फिर जब लक्ष्मण रावण के चरणों की तरफ जाकर खड़े हो गए और बोले कि महाशय मुझे अंतिम समय पर कुछ शिक्षा दीजिए, रावण ने कहा, हे लक्ष्मण देखिए रावण ने राम और लक्ष्मण से कभी उनका नाम नहीं लिया और उस समय रावण ने लक्ष्मण शब्द प्रयोग किया। इससे पहले रावण इनसे वनवासी, मनुष्य, साधारण प्राणी इन शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन आज रावण ने लक्ष्मण से लक्ष्मण शब्द कहा है। तो यहां पर यह भी याद रखिए कि कभी भी अच्छे लोगों का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता, उन्हें अन्य जो नीच नाम होते उन्हीं को लेकर पुकारता है। जब लक्ष्मण पैरों की तरफ खड़े हो गए तो रावण ने कहा कि मैं तुझे क्या शिक्षा दूं। लक्ष्मण ने कहा, आप मुझे शिक्षा दीजिए। रावण ने कहा, लक्ष्मण मैं शिक्षा आपको दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। लक्ष्मण ने कहा, बताइए कि मैं सभी वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों उपनिषदों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, मैं जाति में आपसे ब्राह्मण, कुल में आपसे ऊंचा और आप जात के क्षत्रिय मुझसे नीचे, मेरी सेना तुमसे अधिक और तुम दो प्राणी, मैं अपनी ही जमीन पर युद्ध लड़ा और तुम सात समुद्र पार करके यहां आए और फिर भी तुमने मुझे हरा दिया, इसका मुझे आंसर दो। मैं हर चीज में तुमसे श्रेष्ठ था, मेरे पास ऐसे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया, देवता भी उनसे डरते थे, मेरे पुत्र इंद्र को भी बांध ले आया था। और रावण ने यहां तक कहा कि लक्ष्मण काल को भी मैंने पाटी से बांध दिया है, बताइए फिर मैं क्यों हारा। लक्ष्मण थोड़ी देर शांत रहे, उसके बाद लक्ष्मण ने कहा कि मुझे इसका उत्तर पता नहीं है। तब रावण ने शिक्षा दी कि यही तो शिक्षा मैं तुम्हें देना चाहता था कि हे लक्ष्मण तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन, यही मेरी हार का कारण है। साथियों, इससे यह शिक्षा दी रावण ने कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए, चरित्रवान रहना चाहिए। अगर चरित्र चला गया तो हम नष्ट हो जाएंगे और आप मरे हुए के समान है, वही आज मेरी स्थिति हो गई है।